पता नहीं कहाँ रह गए, काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ, एक कॉल करता हूँ। हेलो, कहाँ हो? हाँ यार, बस आ रहा हूँ बाइक खड़ी करके। जल्दी आ जाओ यार, काफी वेट कर रहा हूँ तुम्हारे। हाँ, पहुंच गया यार, बस आ रहा। चलो जल्दी आओ। और अरे आ गए, सॉरी यार देर हो गई यार, ट्रैफिक पता है ना तुम्हें। नहीं यार, चलो खैर है, कोई बात नहीं। और सुनाओ क्या हाल है? बस यार क्या बताएं तुम्हें, मसरूफ चल रही है जिंदगी बड़ी। कहाँ मसरूफ चल रही है? जॉब वॉब यही यार, रोज भर रहे के यार वही मसाइल। बस अल्लाह का बना, खुदा का, अल्लाह का शुक्र है। ये लोग कहाँ है, बाकी कहाँ है? बाकी यार आते होंगे, बात तो इतनी भी नहीं, सबसे कह रहे थे पहुँच जाएंगे टाइम पर। देखो यार, एक उनैब और मास को कॉल करके देखता हूँ। हेलो, कहाँ हो भाई, जल्दी आओ। अबे यार मैं तो रास्ते में हूँ, बस आ गया। अबे जल्दी आओ यार, काफी वेट हो रहा है, इतनी देर से कॉल कर रहा हूँ, उठा भी नहीं रहते, जल्दी आओ। हाथ तो मिला ले, हाथ तो मिला। और कहाँ है मास तू? काफी दिनों बाद मिला भाई तू। कहेंगे तेरी लेट आने की आदत नहीं गई ना। अबे क्या बोल, बड़ा बाइक पंचर हो गई यार। हाँ हेलो, हाँ मैसम। हाँ हेलो सेफ, कहाँ है जानी? अबे बस आ रहा हूँ, आ गया। अबे यार तेरी, हाँ सारे आ गए, तू इसी चीज का इंतजार करता है। ओके ओके जल्दी आ जा। आ रहा है शुरू से यार। आप लोग क्या लोगे? ठंडा तो वही है यार, चाय करवा। और कुछ खाएंगे? प्राइस कर ले। तो एक काम करो ना, तुम भी हो बाहर, एक चाय खा। पांच चाय लें और एक प्राइस लें, सही है? फिर देखते हैं इंशाल्लाह। और सुनाओ, दिमाग खराब कर दिया। सही बताऊं, अबे क्या हो गया तेरे, तो हर दफा का ही है। उनको पेपर भी दिखा दिए, लाइसेंस भी दिखा दिए, लेकिन नहीं। कौन से पेपर दिखा दिए तूने? मैंने वही गाड़ी के तो पेपर कागजात होते हैं, लर्निंग लाइसेंस बना हुआ है, वो 45 डेज बाद एक्सपायर होता है वो। अभी नहीं भी हुआ तो बोल रहे हैं चाय पानी का खर्च का पैसा दे दो, ऐसा थोड़ी होता है यार। भाई तो तू अपने पूरे सही से पेपर तो दिखा था, लाइसेंस हेलमेट वगैरह कुछ है नहीं तेरे पास, तू बोल रहा है। अरे तो हेलमेट पे उन्होंने बात ही नहीं करी, अभी टाइम ही ऐसा था, वो जगह ऐसी नहीं थी जो हेलमेट पे वो बात करते, लेकिन वो बोल रहे गाड़ी के कागजात दिखाओ। हेलमेट पे उन्होंने मुझसे कुछ बातचीत नहीं करी, उनको रिश्वत से मतलब थी, उन्होंने रिश्वत ले ली मुझसे। अब बताओ नहीं, कोई इतने सारे लोग आए बिना सही है अच्छे खासे हैं तेरे साथ। एक जगह पनौती होती है ना, वो पनौती हमेशा मेरे साथ ही होती है। जब भी मैं तुम लोगों से मिलने आ रहा हूँ तो पनौती यही होती है, पूरी बात सुना। अरे अरे भाई, तो आप हक में इसलिए बोल रहे हो, आपके वालिद साहब आर्मी में। सही है, पुलिस वाले तो क्या ताल्लुक भाई, रिश्वत खोरी हर जगह होती है। सही है, अगर मुझे कहीं एडमिशन लेने के लिए जाना है तो रिश्वत देगी नहीं, उन्होंने खुद से मांगी। मैं तो मेरे पास कागजात पूरे थे, मैं क्यों दूं रिश्वत उन्हें? तो मूल्य दे के आ रहे हो, तो मैं भैंस ही नहीं कटनी चाहिए। आपको पता है ना, रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नुमी है, ये बात मुझे पता। लेकिन आपको पहले सीनियर बंदा खड़ा हुआ, पेपर पूरे होने चाहिए थे। अरे गलत बात कर रहे हैं। क्या गलत बात कर रहा हूँ भाई, मैं गलत बात कर रहा हूँ? मैं तो एक पॉजिटिव बोल रहा हूँ ना, तुम भी आए हो, मैं भी आया, रोजाना घूमते हैं, कभी पकड़े नहीं गए। अब यहाँ मुझे ये बताओ कि ये बात बोल रहे हैं कि रिश्वत देने वाला लेने जो जानू मई, गलत बात सही बात बोल रहे हैं, ये कुरान में भी है। लेकिन ये भी तो देखे, वो जो मांग रहा है, मैंने अपनी कागजात दिखा दी, अगर नहीं होता चलो उसके ऊपर बनती थी, यहाँ पे फिर जानू मई है, लेकिन वो तो ऑलरेडी जानू मई है, क्या कर सकते हैं अपन? तुम भी हो गए साथ ऐसा नहीं होता, आप कागजात देख के छोड़ देते हैं भाई। आप न्यूज आती है, सुना करो कहीं आते कि पुलिस वाले ने वहाँ उसको मार दिया, उसके यहाँ ला दिया, और चीजें थी ना भाई तेरे लेट आने के ड्रामे। हेलमेट पे चलान होता है, बोलता लेट आने के ड्रामे, सीधे सीधे तो हमें तो अभी ड्रामे, वो ड्रामे बोल रहा है। तो तुम करते हो हमेशा का तुम्हारा भाई, इनके इतनी भी कोई बुरी नहीं है जितना तुम हमारी पुलिस वगैरह आर्मी वगैरह को बोल रहे हो, इतनी कोई बुरी नहीं है जितना तुम बोल रहे हो। मैं आर्मी का बोलता हूँ, चलो ज्यादा वो नहीं था, लेकिन आर्मी भी रिश्वत लेती है भर्ती के टाइम पे भाई। अपने वालिद साहब से आप पूछते ना, उन्होंने ली नहीं ली होगी अगर वो उस अहदे पे रहे हो तो। भाई नहीं ली, अलहम्दुलिल्लाह आपके वालिद के बैठे में। आपके वालिद रिटायर हो चुके हैं? हाँ बिल्कुल। कितना टाइम हो गया उन्हें?
5-6 साल। आप तो अपने वालिद साहब के हक में बोलोगे, आपके वालिद आर्मी में थे। अब हमें पता है ना, हम पे रोड पे गुजरती होती क्या गुजर रही है, बस सीधी बात है। वालिद साहब की बात नहीं, हमारी आर्मी की वजह से ही ये कुछ बचा हुआ है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप रोड पर देखो, आप तो अपने वालिद साहब का भरम देते होगे, वो आपको छोड़ देते होंगे, ऐसा थोड़ी होगा। नहीं यार, ये बात तुम गलत कर रहे हो। ये बात गलत है। आजकल की नौजवान नस्ल को क्या हो गया? ऐसा थोड़ी होता है। आप लोग क्या हैं अंकल? आप यहाँ पे हमारे टेबल पे बेटा, सोचा तुम लोगों की इल्म में थोड़ा सा इजाफा करता चलूं। जी सर। तुम लोगों को मालूम है कि इस मुल्क को कितनी कुर्बानी के बाद हासिल किया गया है? मुझे तो मालूम है अंकल, इसको नहीं मालूम। तुम्हारे घर में कोई आर्मी या फौज या पुलिस में है? कोई नहीं है, लेकिन उधर तो बाहर होता है। मैं समझ गया आप क्या देख के बात तो आए होंगे हमारे टेबल पे, लेकिन मैं भी सही था, ये भी सही था अपनी जगह। देखो, अगर आपको 2 मिनट के लिए पुलिस वाले या कोई फौज वाला रोकता है तो वो किसी वजह से ही खड़े हुए ना रोड पे, कुछ देखने के लिए खड़े हैं। मतलब हो सकता है उनको कुछ इन्फॉर्मेशन हो कि भाई इस नंबर प्लेट के ऐसे संबंध आ रहे हैं। अगर वो 2 मिनट के लिए आपसे चेकिंग कर रहे हैं, आपसे चीज़ें मांग रहे हैं, तो दिखा दो उसमें बुरा क्या है। भला तो हमारा है, हमारे मुल्क का है, ऐसा ही है। आजकल ये मुझे नहीं मालूम कि तुम किन लोगों में बैठते हो, उन लोगों ने तुम्हारा माइंड कैसा बनाया है, लेकिन मैंने वो दौर देखा है जिस दौर में हमारे बुजुर्गों को शहीद किया गया था, उन्होंने किस तरह कुर्बानियां देकर इस मुल्क को हासिल करा था। हमारे इल्म के कुर्बानियां दी हैं, लेकिन एक इसकी तरफ से पॉइंट ये था कि कुछ हमारे ऐसे लोग हैं जो जिनकी वजह से बदनामी मिलती है आज के दौर में। सब चाय को आने अंकल की चाय लीजिएगा, अंकल आप चाय पिए। चाय आ गई तो सोचा एक वाकया तुम लोगों को सुनाता चलो। अच्छा, 6 सितंबर। हाँ, चाय पे बहुत मजे का वाकया तुम लोगों को अगर मालूम हो तो। ये तो अंकल मैं सुनना चाहूँगा। बिल्कुल सुनाता हूँ। तो 6 सितंबर 1965 जी, हमारे पड़ोसी मुल्क ने दावा करा था कि वो सुबह की चाय जो है वो लाहौर में पिएगा। यानी उसका ये दावा इस बात की दलील देता था कि वो लाहौर को अपने कब्जे में ले लेगा जी। और उसकी ये बात कहीं ना कहीं तक सच हो ही जाती है अगर हमारे जवान, हमारे फौजी जो हैं वो सरहदों की हिफाजत ना कर रहे होते जी। उन्होंने जिस तरह इस मुल्क की हिफाजत करी है और उनको मार भगाया है, तो ये बहुत ही काबिले तहसीन है। लेकिन जैसे मेजर अजीज़ भट्टी और MM आलम, तो इन्होंने जिस तरह अपने साथ सिपाहियों को लेके चले और इनकी क़यादत में जिन्होंने दुश्मन को मार भगाया, ये अगर आप तारीख की किताबों में पढ़ें आपको समझ आएगा कि इस मुल्क को किस तरह हासिल किया गया है। लेकिन हम कहीं ना कहीं अक्सर भूल जाते हैं कि जितना जज्बा हमारे कर्नल का था, जितना जज्बा हमारे बड़े रैंक के ऑफिसर्स का था, उतना ही जज्बा हमारे छोटी छोटी सिपाहियों का था, जो वो भी अपने घर से दूर थे और अपने घर को छोड़ के बैठे हुए थे सिर्फ हमारी सरहदों की हिफाजत करने में। सिपाही मकबूल हुसैन का नाम सुना है किसी ने? ये कौन है अंकल? नहीं सुना, पहली बार सुन रहा हूँ मैं तो। जी, क्योंकि इनका नाम बहुत कम मिलता है। सिपाही मकबूल हुसैन 17 सितंबर 2005 की एक सुबह आज़ाद कश्मीर कमांडर के सामने एक उम्र रसीदा शख्स लिबास दरीदा, जुबान खामोश है, इशारे से बताता है कि वो ड्यूटी पर वापस आ गया है, बोलने से माजूर है, कागज पर लिखता है 3351 39। 40 साल बाद मकबूल हुसैन, बट ही वॉज मिसिंग, बिलीव किल। सिपाही का चेहरा सच्चाई से दमक रहा है, वो सिपाही मकबूल हुसैन है। सिपाही मकबूल हुसैन 1965 में कैप्टन शेर की क्यादत में मिशन पर रवाना होता है। इसका भाई मक्खन खान, 2 बहनें, उसकी मंगेतर, वालिद और वालदा उसे अपनी दुआओं में, नेक तमन्नाओं की छाओं में खुदा हाफिज कहते हैं। ये मिशन मकबूज़ा कश्मीर में
दुश्मन के ठिकानों पर हमला करके दूसरी तंजीबात को तबाह करने पर मबनी था, ताकि दुश्मन की तैयारी पर बरवक्त कारी जर्ब लगाई जा सके जो वो पाकिस्तान पर हमले के लिए कर रहा था। मकबूल हुसैन हाथ में राइफल लिए मार्के में उतरा है। मिशन की तकमील के बाद फोर्स अपने बेस पर वापस आती है, लेकिन सिपाही मकबूल हुसैन दुश्मन के हाथों पकड़ा जाता है। जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी होती है, उसे जंगी कैदी भी नहीं बनाया जाता और न ही उसका इंदराज सिविल कैदियों की फहरिस्त में। 1965 और 1971 की जंगी कैदियों के तबादले में भी उसका कहीं जिक्र नहीं। नतीजतन वो मिसिंग बिलीव किल की फहरिस्त में शामिल कर दिया जाता है। कौन जाने सिपाही मकबूल हुसैन दुश्मन की कैद में ऐसी अजियतें बर्दाश्त करता रहा। इंसानी जुल्म की तारीख में जिसकी मिसाल नहीं मिली। कैद व तन्हाई, तंग व तारीख, दिन और रात, मौसम की सख्ती, इंसानियत सोज मजालिम, जानवरों की तरह रेंगने का हुक्म, जिस्मानी आज़ा के ऐसे ऐसे हरबे जो हैवानियत और बर्बरियत के नाकाबले यकीन मिसाल हैं। जवाब दो, बोलते क्यों नहीं हो? पाकिस्तान में कहां फौजी ठिकाने हैं? तुम्हें सब राज उगलने होंगे। सिपाही मकबूल हुसैन पर खूनखार कुत्ते भी छोड़े जाते थे जो उसकी पिंडियां चबा डालते थे, लेकिन वो अपने मौकफ पर डटा हुआ। उसकी जबान पर एक ही नारा, हुजा जो रोजन जिंदान, तो दिल ये समझा है कि तेरी मांग सितारों से भर गई होगी। चमक उठे हैं सलासिल, तो हमने जाना है कि शहर अब तेरे रुख पे बिखर गई होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। उस कैद खाने की दीवारें सिपाही मकबूल हुसैन के खून से रंग जाती। वो हर जगह लिख देता, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। काट दो इसकी जबान, काट दो। और फिर उसकी जबान काटती जाती है, ताकि पाकिस्तान जाकर कभी भी बता ना सके कि इसके साथ कैसा गैर इंसानी सलूक रवैया रखा। उसे नफसियाती मरीज बनाकर पाकिस्तान धकेल दिया जाता है। और 40 साल बाद जब पाकिस्तान की सरजमीन पर पहुंचता है, तो आज उसके इस्तकबाल के लिए उसके गांव में ना उसका भाई मखन खान है और ना उसके बचपन के दोस्त जो उसके साथ खेला करते थे। बस चंद कब्रें थीं और एक हौसला। मगर कौन जाने, जो चुप रहेगी ज़बाने खंजर, लहू पुकारेगा आस्तीन का। और आज 40 साल बाद सिपाही मकबूल हुसैन नंबर 335139 ड्यूटी पे हाजिर है। उसके साथ क्या बीती, उसने कैसी अजियतें झेली, हमें कौन बताएगा। यकीनन उसकी कहानी के पास ये सब जवाब हैं, जो आज हमारे सामने एक ऐसी जिंदा किरदार की कहानी जो इस वक्त भी हम सबके दरमियान मौजूद है। वतन परस्ती, फर्ज शनासी, कुर्बानियों, इसार, अजीम रिवायत का पासबान किरदार मकबूल हुसैन। मतलब हमने किताबों में सिर्फ नाम सुना था, निशाने हैदर में शायद उनका नाम है। अच्छे तरीके से बताया, इस तरीके से किसी का भी इतना अच्छे से नहीं खुला। आप आए यहाँ पे, आपने थोड़ी सी हमारी अगर छोटी सी महफिल, मसला सारा बात सारी असल में यही है ना कि हम सिर्फ सुनते हैं किताबों में, जो देखते हैं वो पढ़ते हैं, और सिर्फ टीचर्स अपने उस्ताद से सिर्फ सुनते हैं, उनको कभी सीरियस होके एक बार दिल में नहीं बैठाते कि उन्होंने किस कुर्बानियों से ही मुल्क हासिल करा है। हम उनको अपनी जगह रख के अपने खानदान में वो नहीं सोचते, उनको नहीं करते, वरना हम भी रोए, हम भी उसी तरह शहादत देते हैं। हम बस लाइफ जी रहे तो वैसे ही जी रहे, हम कुछ अच्छा नहीं जाते, अच्छा नहीं भी हो, नहीं हो सकता कभी। लेकिन अंकल मुझे ना इस चाय के बाद से याद आई कि एक चीज़ ना, आप स्टोरी सुना रहे थे बहुत डीप थी, बहुत सैड थी, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन उनकी जो 1965 वाली ख्वाहिश थी ना, वो हमने रिसेंटली पूरी करी है। ये बात है कि वो आया था, टीम पर स्ट्रेटेजी करा था हमने उनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, हमने उनको पिला दिया आखिरकार उनकी ख्वाहिश के मुताबिक, उनके ख्वाहिश, उनके सिपाही वो चाहे। जब ये वाकया हुआ जरूर मुझे तो इतनी खुशी हुई थी कि हमने दुश्मन मुल्क की जो ख्वाहिश थी वो उसको पूरा करा। 40 जवानों पे बहुत नाज हुआ, अपने जवानों पे और अपने कौम के जहाँ पे वो थे मौजूद। आज के जो हमारा मिलने का प्रोग्राम था, ऐसी दोस्तों के साथ बैठक थी कि चलो गप्पे लड़ाएंगे, लेकिन उसको एक अच्छे वे में आपने एंडिंग कर दी, ये हमें समझा के बहुत बहुत छोटी सी महफिल में हमने बहुत अच्छी वस्तु को बयान करी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बातें ही होती है और फिल्मों की बातें होती है, हम लोग चल देते, लेकिन हमें अच्छा लगा आपने बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों बहुत। Thank you.